मकर संक्रांति उत्तरायण के लिए हमारी वेजिटेबल खिचड़ी तैयार है फ्रेंड्स, और इसमें हम लगाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल तड़का। और ये जो स्पेशल तड़का है इसको हमने घी से बनाया है, और आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने इसमें क्या क्या डाला है। और ऊपर से डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी है तैयार, और इसके साथ ही जो होते हैं चार वो भी हमारे हैं तैयार। तो यहाँ पर हमने लिया है दही और साथ में घी, तो हम डाल ही चुके हैं दही, पापड़, अचार। तो ये जो घी, दही, पापड़, अचार है खिचड़ी के स्पेशल साथी हैं, इसके बिना तो खिचड़ी मजा ही नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। जय जिनेन, शाकाहार सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी हरी मूंग दाल जो कि आधा टुकड़े में है। और अब ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, 3 से 4 बार जो है हमको इसको वॉश करना है। जब तक कि पानी का कलर साफ ना आ जाए तब तक हम इसको वॉश करेंगे। और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो खिचड़ी है, दाल चावल थोड़े से फूल जाएंगे तो उससे जो खिचड़ी होती है काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमारे दाल चावल धुल चुके हैं, इसमें हमने पानी डालकर रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर जब तक हमारे दाल चावल भीग रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ कट कर लेते हैं, क्योंकि हम वेजिटेबल खिचड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बीन्स, पत्ता गोभी और साथ में ही थोड़ी सी गाजर, यदि आप चाहें तो गाजर को स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी मटर, ये सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है और पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम एक टमाटर भी कट कर लेंगे यहाँ पर। तो सारी वेजिटेबल्स हैं हमने कट कर ली हैं, तो अब हम इसके लिए तड़का बनाते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं सब तैयारी करते हुए हमको। और यहाँ पर हमारी जो खिचड़ी के लिए हमने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हम बनाएंगे खिचड़ी घी से। आप चाहें तो तेल से बना सकते हैं, पर घी से बनाई हुई जो खिचड़ी होती है काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी टेस्टी होती है। अब इसमें हम डालेंगे हींग, तो हींग का तड़का ज़रूर लगाएं खिचड़ी में, और साथ में जीरा और थोड़ा सा राई डालने के बाद में हम जो सारी सब्जियाँ हैं इसको डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें अदरक, हरे मटर और साथ में बीन्स, और डालते हैं थोड़ी सी कैबेज। तो कैबेज की जगह में आप यदि चाहें तो कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सौते कर लेते हैं। इसको घी में ही हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम डालते हैं गाजर। तो यदि आप जमीकंद नहीं खाते हैं तो आप गाजर को भी और अदरक को भी स्किप कर सकते हैं, अदरक की जगह सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और कुटी हुई लौंग, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत पौष्टिक होते भी हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से सौते हो चुकी हैं, घी में भुन चुकी हैं, तो इसमें हम डालेंगे जो दाल चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे, और इसको भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे हाई फ्लेम पर। तो दाल चावल को भी हम साथ में सब्जियों के भून लेते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और अब डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे तरीके से हम 2 मिनट और पकाएंगे तेज आंच पर। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब स्वाद और सेहत के अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक और डालेंगे पानी। तो पानी हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल थी, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमने 7 कटोरी के लगभग पानी डाला है। और जैसे थिकनेस आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब यहाँ पर हम इसको कवर कर देते हैं। इसके बाद में पकने के लिए हम इसको रख देंगे, और 2 से 3 सीटी या 4 सीटी हम इस पर लेंगे। और उसके बाद में जो हमारी खिचड़ी है ये तैयार हो जाएगी। एकदम खिचड़ी पुलाव की तरह खिली खिली खिचड़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर जब तक हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है हम इसका तड़का लगाते हैं। तो इसमें हमने ले लिया है घी 1 पैन में, और अब इसमें पहले तो हम मिर्ची तल लेते हैं, हरी मिर्च। तो खिचड़ी के साथ में मिर्ची खाने में भी काफ़ी आनंद आता है। उसके बाद में ये मिर्ची को तल के हम अलग रख लेते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई मेथी। तो यहाँ जो फ्रेश लीव्स आती है मेथी की, वो हमने कट करके रखी हैं वॉश करके, और उसके बाद इसको घी में हम अच्छे से भून लेंगे। तो घी में अच्छा कुरकुरा होने तक इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद में जब इस तड़के को हम खिचड़ी में लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी जो खिचड़ी होती है लगती है, एकदम बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। वाह, हमारी जो खिचड़ी पुलाव है ये तैयार हो चुका है, और अब इसमें हम लगाते हैं मेथी वाला तड़का। तो ग्रीन मेथी का जो तड़का है बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो बचा हुआ घी है वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और धनिया पत्ती बारीक कतर के हमने ऊपर से डाली हुई है। तो गर्मा गर्म ही हम इसको सर्व करेंगे। तो खिचड़ी जो होती है गर्मा गर्म ही काफ़ी टेस्टी लगती है, और एकदम खिचड़ी पुलाव हमारा रेडी है। और इसके साथ ही जो चार होते हैं वो भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, खिचड़ी के जो साथी हैं चार, दही, पापड़, घी, अचार, तो
इसको भी हम ऑलरेडी यहाँ पर सर्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, आप लोग भी फटाफट मकर संक्रांति या उत्तरायण के पर्व पर या नॉर्मल डेज में कभी भी इसको, क्योंकि खिचड़ी तो बहुत हेल्दी होती है, जरूर ट्राई करें और कैसी बनी इसका फीडबैक भी मुझे जरूर दें। और मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।